आज नाथों के नाथ अलकनाथ मंदिर बरेली में सनातन सेना बरेली जिला परिवार के द्वारा मंडल अध्यक्ष अमित सिंह चौहान की अध्यक्षता में एडवोकेट धर्मवीर सिंह और युवा शक्ति मंडल अध्यक्ष अभिषेक चंदेला, महिला शक्ति जिला अध्यक्ष श्रीमती शालू वर्मा, युवा शक्ति वरिष्ठ उपाध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह कठेरिया, जितेंद्र सिंह, सपना द्विवेदी, निधि त्रिपाठी, दीपिका सिंह इत्यादि के द्वारा सुंदरकांड पाठ व खिचड़ी वितरण किया गया। दिनांक 4 अक्टूबर को विशाल अप्रेंटिस मेले का आयोजन। प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रामप्रकाश ने बताया कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सीबीगंज में दिनांक 4 अक्टूबर 2021 सोमवार को प्रातः 10:30 पर एक विशाल अप्रेंटिस मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जनपद बरेली के विद्युत विभाग, सिंचाई विभाग, नलकूप विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग एवं जनपद के प्रतिष्ठित अधिष्ठान बीएल एग्रो, द्वारिकेश शुगर मिल लिमिटेड आदि प्रतिभाग करेंगे। व्यवसाय फिटर, इलेक्ट्रीशियन एवं अन्य किसी भी व्यवसाय से आईटीआई उत्तीर्ण इच्छुक अभ्यर्थी भी प्रतिभाग कर सकते हैं। मेले में प्रतिभाग किए जाने हेतु भारत सरकार के अप्रेंटिस पोर्टल www.apprenticeshipindia.org पर अपना पंजीकरण करवाकर अपनी प्रोफाइल की प्रति लॉगिन आईडी और पासवर्ड सहित मेले से पूर्व कार्यालय के शिक्षक अनुभाग में जमा कराना एवं एक प्रति मेले के दिन साथ लाना सुनिश्चित करें। बिना पंजीकरण वाले प्रशिक्षार्थी अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों सहित अप्रेंटिस मेले में प्रतिभाग कर सकते हैं। शासन प्रशासन द्वारा जारी कोविड-19 का पालन करते हुए अप्रेंटिस मेले के सभी प्रतिभागियों को मास्क लगाकर आना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज दिनांक 25 सितंबर 2021 को मशाल जुलूस निकाला गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष डॉक्टर नरेश सिंह, संचालन जिला मंत्री मुनेश कुमार अग्निहोत्री ने किया। सभी शिक्षक सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में 5 बजे एकत्रित हुए और उसके बाद मशाल जुलूस निकालते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। वहां 19 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित जिलाधिकारी जी द्वारा नियुक्त अधिकारी को सौंपा। मशाल जुलूस में जनपद के विद्यालयों से भारी संख्या में शिक्षक और शिक्षिकाओं ने भाग लिया। सरकार के प्रति शिक्षकों में मांगे न मानने के विरोध में रोष व्याप्त था। प्रांतीय कोषाध्यक्ष एवं पूर्व शिक्षक विधायक सुभाष चंद्र शर्मा ने कहा कि सरकार शिक्षकों का शोषण कर रही है। विद्यालयों को 2 पाली में चला कर शिक्षकों पर जबरदस्ती थोपा गया है। सरकार हमारी मांगे यदि नहीं मानती है तो मंडल और प्रदेश स्तर पर विशाल धरने और महारैली के माध्यम से प्रदर्शन किया जाएगा। उपाध्यक्ष आफताब अहमद खान ने कहा कि सरकार शिक्षकों का उत्पीड़न और शोषण करने पर उतारू है, जिसको संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। शासन द्वारा जारी 2 अगस्त 2021 को जो शासनादेश जारी किया गया था, उसमें शिक्षकों को 8 घंटे अध्यापन करने को कहा गया था, सुबह 8 बजे से शाम 4:30 बजे तक। विद्यालय चलाना न तो न्याय उचित है और न ही शिक्षा अधिनियम 1921 में ऐसा कहीं लिखा है। मंडलीय अध्यक्ष नरेश चंद्र सक्सेना ने कहा कि विगत 2 वर्षों से सरकार ने जानबूझकर ऐसा लगाया जिससे शिक्षक और कर्मचारी संघर्ष ना कर सकें, लेकिन सरकार यह जानती नहीं है कि शिक्षक अगर संघर्ष पर उतारू हो जाए तो सरकार का पतन होकर ही रहेगा। धरने को संबोधित करते हुए मंडलीय मंत्री डॉक्टर रणविजय सिंह यादव ने कहा कि हमारे संगठन का इतिहास संघर्षों से का रहा है, संघर्ष के बल पर ही हमने सब कुछ पाया है, आज फिर एक बार संघर्ष करना जरूरी हो गया। 2014 से बंद सामूहिक बीमा चालू किया जाए, चयन बोर्ड की धारा 21 यथावत रहे। जिला अध्यक्ष डॉक्टर नरेश सिंह ने कहा कि पुरानी पेंशन सरकार शीघ्र बहाल करे, नवीन पेंशन एक धोखा है, केवल खोखा है। विद्यालय एक ही पाली में चलाए जाए, शिक्षकों को निशुल्क चिकित्सा उपलब्ध, महिला शिक्षकों का अनुमन्य अवकाश की सुविधा की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सरल हो। जिला मंत्री मुकेश कुमार अग्निहोत्री ने कहा कि यदि हम एक होकर संघर्ष करेंगे तो कुछ भी पाना असंभव नहीं है, शिक्षकों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी महानगर द्वारा पार्टी कार्यालय सिविल लाइन्स में एकात्म मानववाद के प्रणेता व जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 105वीं जन्म जयंती पर मुख्य वक्ता कुंवर सुभाष पटेल और महानगर अध्यक्ष डॉक्टर के एम अरोड़ा ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर विचार रखे। मुख्य वक्ता पूर्व मेयर कुंवर सुभाष पटेल ने कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों का केंद्र मानव था। वे कहते थे कि जंजीर की ताकत बढ़ानी है तो उसकी सबसे कमजोर कड़ी को मजबूत करना होगा। वे राजनीतिक लोकतंत्र से ज्यादा सामाजिक लोकतंत्र को महत्वपूर्ण मानते थे। जब विश्व साम्यवाद व पूंजीवाद के बीच डोल रहा था, तब उन्होंने अंत्योदय रूपी समाज दर्शन प्रस्तुत किया, जो आज भी प्रासंगिक है। महानगर अध्यक्ष डॉक्टर के एम अरोड़ा ने कहा कि वे भारतीय दर्शन के महान विचारक और प्रचारक थे। उन्होंने बताया कि बूथ समितियों के साथ ही बूथ के पन्ना प्रमुखों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्पार्चन करने के साथ ही अंत्योदय के विचार और अंत्योदय की संकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करती प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकारों की जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा, पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम से जुड़ेंगे। भाजपा नेता पूरन लाल लोधी ने बताया कि जनधन, उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, आयुष्मान योजना,
किसान सम्मान निधि, निःशुल्क राशन वितरण जैसी योजनाएं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय विचार का अनुसरण है, जो गांव, गरीब, किसान व वंचित वर्ग के जीवन को आर्थिक समृद्ध बनाकर खुशहाल जीवन का आधार प्रदान करती है। भाजपा नेता रामगोपाल मिश्रा ने बताया कि भाजपा सरकारों की जन कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा के पश्चात पार्टी के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता राष्ट्र की एकता, लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर समतायुक्त समाज के निर्माण और नैतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति के साथ ही पर्यावरण की रक्षा व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संकल्प लेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 105वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों में मुख्य रूप से मुख्य वक्ता कुंवर सुभाष पटेल, महानगर अध्यक्ष डॉ के एम अरोड़ा, रामगोपाल मिश्रा, पूरनलाल लोधी, अधीर सक्सेना, प्रतेश पांडे, प्रभुदयाल लोधी, मनोज थपलियाल, डॉक्टर तृप्ति गुप्ता, अरुण कश्यप, देवेंद्र जोशी, बंटी ठाकुर, रेखा श्रीवास्तव, अमरीश कठेरिया, सूर्यकांत मौर्य, शीतल गुलाटी, राजकुमार अग्रवाल, हरवंश सेठी, विशाल गुप्ता समस्त महानगर आबकारी और मंडल अध्यक्ष मौजूद रहे। गरीब कल्याण दिवस के अवसर पर लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित। सांसद संतोष कुमार गंगवार ने आज बरेली में मूक बधिर विद्यालय में गरीब कल्याण दिवस का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण भी किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी नीतीश कुमार, मुख्य विकास अधिकारी चंद्रमोहन गर्ग व सलाहकार दिव्यांग कल्याण बोर्ड पीपी सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। सांसद ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश के विकास में बहुत कार्य किए हैं, इसलिए परिवर्तन दिख रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार समाज को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण दिवस के रूप में आज जनपद सहित सभी विकास खंडों में कार्यक्रम को मनाते हुए लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया है। माननीय सांसद ने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन, पारिवारिक लाभ, सामान्य अनुसूचित जाति शादी अनुदान के लिए चयनित 10-10 लाभार्थियों को योजनावार स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा 44 दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल, लेप्रोसी किट, एमआर किट के वितरण के साथ ही 10 दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान के 10, ओ लेवल कंप्यूटर परीक्षण के 5, ट्रिपल सी प्रशिक्षणार्थियों को कंप्यूटर कोर्स के 5 के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित अल्पसंख्यक शादी अनुदान योजना अंतर्गत 10 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित निराश्रित महिला पेंशन योजना के 10, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के 10 एवं कन्या सुमंगला योजना के 10 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। इस प्रकार सोशल सेक्टर द्वारा संचालित विभिन्न योजना अंतर्गत 154 लाभार्थियों को उपकरण एवं स्वीकृति पत्र वितरित किए गए।